हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों आज आपके लिए लेके आए हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, मैग्नीट्यूड ऑफ दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द मेटल प्रेजेंट इन द सिस्टम। बच्चों आपने सिस्टम, आप जानते हैं तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी आप ले सकते हैं थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए। तो मास तो हमने सॉलिड लिया हुआ है, तो आप जानते हैं मास और वॉल्यूम जो होते हैं ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के दो एग्जांपल हैं। यहाँ पे और भी एग्जांपल होते हैं, आगे देखेंगे, फिलहाल दो ही एग्जांपल ले रहे हैं, मास एंड वॉल्यूम। मास होता है सॉलिड के लिए और वॉल्यूम होता है गैस और लिक्विड के लिए। तो बच्चों ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक चौक लिया हुआ है, तो आप जानते हैं चौक के लिए जो इसके लिए यूनिट होगा मास होगा, और मैं मास की बात कर रहा हूं। मान लीजिए इस चौक का मास जो है वो 10 ग्राम है। ओके, अब मैंने क्या किया बच्चों, दूसरा चौक ले आया, तो मैं अब दूसरी बार सेकंड फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में सिंगल चौक का मास चेक करता हूं, 10 ग्राम आता है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में मैं दोनों चौक का मास चेक करता हूं, तो बताइए कितना हो जाएगा? सर इक्वल अमाउंट का है, तो ये 20 ग्राम हो जाएगा। तो पहले केस में मास 10 ग्राम था, लेकिन दूसरे केस में चौक का जो मास हो गया वो 20 ग्राम हो गया। तो बताइए मास जो है वो कैसी प्रॉपर्टी होगी? बिल्कुल सही बोला, एक्सटेंसिव, क्योंकि ये पर मास जो है वो डिपेंड कर रहा है अमाउंट के ऊपर। अगर अमाउंट कम है तो क्या होगा? मास कम होगा, मैग्नीट्यूड कम आएगा। अगर अमाउंट ज्यादा हो गई है चौक की तो मास भी बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? तो ऐसी प्रॉपर्टीज जिनका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस टेकन इन द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में आपने उस सब्सटेंस का कितना अमाउंट लिया है इस पर डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड, तो वो प्रॉपर्टी कहलाएगी एक्सटेंसिव। अब आते हैं इंटेंसिव में। हियर मैग्नीट्यूड डजंट डिपेंड अपॉन द अमाउंट और साइज प्रेजेंट इन द सिस्टम। आप कुछ भी लीजिए, यहां पर कितनी भी अमाउंट लीजिए, कुछ भी वेरी करने वाला नहीं है। बच्चों मान लीजिए एक सॉलिड है, आप जानते हैं सॉलिड को अगर हीट करेंगे तो क्या होगा? मेल्ट होगा। ओके, मैं कहता हूं कि यहां पर मेरे पास, बच्चों यहां पर एग्जांपल लेते हैं, ये सॉलिड है मेरे पास, मान लीजिए चौक नहीं कोई सॉलिड है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। ओके, अब मैं इसको गर्म करता हूं, तो आपको पता है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 100 है, तो जैसे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन होगा इट विल कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। क्लियर हुआ? अब बच्चों मैंने क्या किया, इसी सब्सटेंस का, यही सब्सटेंस मैंने बड़ा ले लिया, बड़ा पीस ले लिया है, बड़ा अमाउंट है, लार्ज अमाउंट है। अब मैं इसको हीट करता हूं, तो बच्चों बताओ अगर सब्सटेंस सेम होगा तो क्या मेल्टिंग पॉइंट चेंज होगा? नहीं, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, ये भी 100 पे ही मेल्ट होगा। तो यहां पर मेल्टिंग पॉइंट जो है वो अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, चाहे अमाउंट थोड़ी हो या अमाउंट ज्यादा हो, सब्सटेंस की मेल्टिंग पॉइंट हमेशा फिक्स रहेगा। क्या ये आपको क्लियर है? तो मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, और भी है, आगे हम लोग देखेंगे ये सब प्रॉपर्टी कैसी है। ये प्रॉपर्टी है हमारी इंटेंसिव। अब वॉटर ले लीजिए, आपको पता है कि वॉटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इज इट? ओके, अब मैंने 100 ml वॉटर लिया और मैंने बच्चों यहां पे 200 ml ऑफ वाटर ले लिया, तो दोनों बीकर में दोनों वाटर सैंपल को मैं बॉयल कराना चाहता हूं, तो बताइए दोनों के लिए मुझे कितना टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा? 100 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहां पे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, दोनों सैंपल में वाटर लिया हुआ है, सेम सब्सटेंस है, तो अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कैसी होगी? इंटेंसिव। तो क्लियर हुआ बच्चों? ऐसी प्रॉपर्टीज जिनका मैग्नीट्यूड, जिनका वैल्यू अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है, दोज आर नोन एज इंटेंसिव इन नेचर। नेक्स्ट बच्चों, दीज आर एडिटिव इन नेचर। इनका आप जोड़ सकते हैं, इनका सम कर सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनता है। तो याद रखिएगा, एक्सटेंसिव जो होती है वो एडिटिव होती है, उनका सम आप कर सकते हैं, लेकिन इंटेंसिव की बात करें तो यहां पर ये पॉसिबल नहीं है, इनका सम आप नहीं कर सकते हैं, अगर करने जा रहे हैं तो गलत हो जाएगा। सर एक वीडियो डाला हुआ है इंटेंसिव नेचर ऑफ ईएमएफ, जरूर देखिएगा बच्चों, आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन कैसा बनता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, रेशो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज विल बी इंटेंसिव इन नेचर। अगर आप दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को लेते हैं और उनको डिवाइड करते हैं, तो वहां पर जो रेशियो आएगा, जो वैल्यू आएगी,
that property will be intensive in nature. आपको भी discuss किया था mass और volume जो होते हैं वो दोनों कैसे होते हैं extensive in nature. ये दोनों extensive property है mass और volume m and v. अगर मैं यहाँ पर m by v कर देता हूँ तो m by v जो होता है is equal to density होता है. तो यहाँ पर mass को volume से divide करके जो भी value आपको मिलेगा that will be known as density. अब आगे चलते हैं बच्चों. यहाँ पर देखिए volume by यूनिट पर मास, तो हमने वॉल्यूम को मास से डिवाइड किया है. तो यहां पर जो ये आपको प्रॉपर्टी मिलेगी दैट विल बी नोन एज स्पेसिफिक वॉल्यूम. तो क्या आपको क्लियर हुआ बच्चों, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो वो बन जाती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी. याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है. यहां पर बात करते हैं इंटेंसिव में देयर रेशियो और प्रोडक्ट. देयर रेशियो और प्रोडक्ट will be intensive property. यहाँ पर ये change नहीं होता, ये intensive ही रहता है. क्या ये आपको clear है? अब लेते हैं इनके example जो exam में पूछे जाते हैं. आइए बच्चों पे एग्जांपल लेते हैं. तो एग्जांपल है एक्सटेंसिव के, एग्जांपल है इंटेंसिव के. बच्चों एग्जाम में डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन निकलता है. चार ऑप्शन होंगे, चार ऑप्शन में से बोलेगा कि बताओ इनमें से कौन सा एक्सटेंसिव है और कौन सा इंटेंसिव है. तो आइए देखते हैं वन बाय वन करके. यहाँ पे हीट कैपेसिटी, मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, एनर्जी, हीट कैपेसिटी. बच्चों ये प्रॉपर्टीज जो होती हैं दीज आर द एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. अब बात करते हैं इंटेंसिव का. मोलरिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किया था आपके साथ, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, मोल फ्रैक्शन, मोलर एंथैल्पी, मोलर एंट्रोपी, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक वॉल्यूम डिस्कस किया था, सरफेस टेंशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. दीज आर द एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. बच्चों इनको देखिए, नोट कीजिए और याद कीजिए टू सिक्योर योर मार्क्स इन द एग्जाम. बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले. और हाँ, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.